हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका आज के मेरे नए ब्लॉग में। तो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मैं लड्डू गोपाल के दर्शन के साथ, मेरे मोहन के दर्शन के साथ। तो सुबह का टाइम, मतलब नहा धोकर आ चुकी हूँ मैं और सुबह के 6 बज रहे हैं और फिर लड्डू गोपाल को यहाँ पे जगाने लग रही हूँ। जगाने के बाद ले आई हूँ मैं बाहर और उठते ना मैं सूर्यदेव के दर्शन कराती हूँ, अगर उदित हो रहे हैं सूर्यदेव। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पहले उठा लेती हूँ, तब तक उदित नहीं हो पाते, और आज देखे मैंने तब उठाया जब ये सूर्यदेव ही उदित हो चुके हैं। तो फिर सूर्यदेव को दर्शन कराया लड्डू गोपाल को और कब दे दिया है जल। आज है संडे, तो आप सबको हैप्पी संडे। और आज मेरा एकादशी व्रत का है पारण, यानी कल एकादशी का व्रत था, कल शनिवार था और आज रविवार है। तो मैं आज करने लग रही हूँ एकादशी व्रत का पारण, मैं और सासू माँ। तो जिसके लिए बना रही हूँ खिचड़ी। खिचड़ी खाकर ये व्रत खोलते हैं, व्रत का पारण करते हैं। मैंने चावल ले लिए हैं, दाल ले ली है, उड़द की काली दाल और ये मूंग की दाल। तो बनाते हैं खिचड़ी। तो यहाँ पे मैं खिचड़ी छोंकने लगी हूँ और बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ, जीरे और हींग और देसी घी में छोंकी, ज़्यादा नमक मिर्च मसाले कुछ नहीं डाला, नमक और हल्दी, बस सिंपल बनाई बिल्कुल खिचड़ी मैंने, ताकि बच्चे भी खा सकें बिल्कुल सिंपल खिचड़ी। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है और छोंक दी है मैंने खिचड़ी यहाँ पर, और खिचड़ी बनने लग रही है। और लड्डू गोपाल को जगा खाई थी ना, अब उनको दूध देने जा रही हूँ मैं नहाने से पहले। तो यहाँ पे हमारा खिचड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। गाय के लिए मैंने आटे की लोइयाँ बनाई हैं और लोइयों पे मैंने खिचड़ी रख दी है, गुड़ रख दिया और घी डाल दिया है। और यहाँ पे श्री हरि विष्णु को, लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए प्रसादी लेके जा रही हूँ, खिचड़ी का प्रसाद, गुड़, दही। खिचड़ी पे मैंने माखन डाल दिया है और जल। देखिए यहाँ पे लड्डू गोपाल बैठे हैं मेरे और श्री हरि विष्णु को भी भोग लगाने लग रही हूँ मैं। तो लड्डू गोपाल का ये चरणामृत है, स्नान का जल चरणामृत, और इसको ही सबसे पहले हम पीते हैं, उसके बाद तब खिचड़ी खाकर अपना व्रत खोलते हैं। लो। राधे राधे। तो यहाँ पे मैं बनाने लग रही हूँ नाश्ता, पराठे। जिन्हें खिचड़ी नहीं खानी उनके लिए मैं पराठे बना रही हूँ। राधिका ने नहीं खाई खिचड़ी, देवर जी, इन सबके लिए मैं नाश्ता बनाया मैंने, और बाकी मैंने मम्मी ने वीर ने तो खिचड़ी खाई। ले वीर, ले बेटा, ले खिचड़ी। अब ऊपर से मीठी ना पड़ेगी, दही भी लेगा क्या? ये देखो खा गए खिचड़ी, लेट गया नीचे ही। नीला आसमान सुंदर लगता है। वो मेरी खिचड़ी मैं खाने लग रही हूँ, खा ली है, बल्कि वीर ने भी खा लिया है, मम्मी ने भी खा लिया है। तो मेरा किचन क्लीनिंग का काम हो गया है, पोछा वोछा भी लगा लिया है किचन में। और आज मुझे धोने हैं गेहूँ, क्योंकि आटा भी थोड़ा रह रहा है, खत्म होने वाला ही है। देखो ना, ये मोती वोती ले रही है, देखिए इसके बनाया इसने ब्रेसलेट, अच्छे से सही करो। सामान फैल तो गया बट उठा के रख दी, देख यहाँ पे, ठीक है, गंदा लगता है ऐसे बिखरा हुआ। तो मेरा किचन का काम हो गया है और अब गेहूँ धोने हैं मुझे, आटा थोड़ा ही रह रहा है। तो धो के ऊपर से पहले तो गेहूँ लाऊंगी, ऊपर जाती हूँ छत पे स्टोर रूम में। तो मैं आ गई हूँ स्टोर रूम में गेहूँ लेने के लिए, और बहुत टफ काम लगता है गेहूँ धोने का, क्योंकि यहाँ से लेके नीचे जाना, फिर धोना, फिर सुखाना, बहुत ही यार गर्मी होने लगी, यार बहुत गर्मी हो रही है, रात ही बहुत गर्मी थी और अब भी ये है ना, इसकी ये छत तप जाती है तो गर्मी लगती है, और यहाँ पर गर्मी हो रही है बहुत ही स्टोर रूम में। आज सुबह का टाइम है, अभी 9 बज रहे हैं सुबह के, तब भी इतनी गर्मी हो रही है, पसीने आने लगे, अब तक नहीं थी ऐसी गर्मी जो पसीने वाली हो, लेकिन अब आने लगे पसीने। तो वो गेहूँ निकाल लेती हूँ मैं, निकाल दिए हैं और इसमें करूंगी।
चक्कर इसमें, दो चक्कर और लगेंगे अभी मेरे, और ये लेके चलती हूँ नीचे। आपने यूज तो देखिए राधिका ने जो उसके पास ही मोती पड़े थे ना इनसे ये बनाया, क्या है दिखाना, हेयर बैंड टाइप का ये, और इसने एक ब्रेसलेट बनाया जो कोई माला टूट जाती है ना पुरानी माला उनका है ये, ये ब्रेसलेट है, ये वाइट कलर पे ज्यादा प्रीटी लग रहा है। वीर भी नहा के आ चुका है, ये बेटा टी शर्ट पहन हस्बैंड जी की यूनिफॉर्म है, ये रखी कपड़े धोने लग गई, हैंड वॉश ही करूँगी क्योंकि बाकी कपड़े तो मैंने कल ही धोए थे। कपड़े धोने के बाद देखिए झाड़ू पोछे का काम भी हो गया है। खाना बनाने लग रही हूँ और ये सब्जी बना रही हूँ, ये बीन्स हैं, फ्रेंच बीन्स होते हैं जो गाजर आलू कट कर लिए हैं, और यहाँ पे बना रही हूँ चाय अपने लिए। तो उसमें खिचड़ी खाने के बाद व्रत खोल दिया था मैंने, और अब रात को ही खाना खाऊंगी क्योंकि दोबारा नहीं खा, दोपहर को खाना नहीं खाते जब पारण करते हैं खिचड़ी खाने के बाद, फिर रात को खाना खाते हैं। तो मेरा काम फिनिश हुआ सारा, कपड़े वपड़े धो के झाड़ू पोछा कर लिया है, पहले पीऊंगी चाय क्योंकि काम करके बहुत थकावट हो गई है, 12:30 बज गए लगे लगे काम में। तो ये मेरी लड्डू गोपाल की खाने की थाली है और दोपहर के खाने की थाली, एक ही सब्जी रोटी दही गुड़ और जल। तो अपने लड्डू को लगा लेती हूँ वो, अच्छा। तो दोपहर का खाना खा के मेरे लड्डू तो करने लग गए हैं आराम, और ये भी राधिका खाने लग रही है, सो जाओ अब थोड़ी थोड़ी देर, दोपहर होगी 1:30 बजे, देखो सो जाओ अब ठीक है। शाम का टाइम हो गया है और चाय बना के ले आई हूँ मैं, और देखिए यहाँ पे बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं, ये वीर को भी दूध दे दिया है, उसका मैं टेस्ट ले रही हूँ, उसको मैंने लर्न करने के लिए दिया था एक चैप्टर, और वो उससे मैं सुनूंगी कि कितना इसने याद किया, और मैं भी यहाँ पे अपने नोट्स बनाने लग रही हूँ, ये रहे मेरी बुक्स और मैं नोट्स बनाने लग रही हूँ। तो शाम के बज गए हैं 7 और अब करूँगी पूजा, काम करते करते टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला, और अभी मेरा भी काम काफ़ी रह गया है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, और मैं सोच रही हूँ कि नोट्स बनाने का काम आज कंप्लीट कर लूँ, फिर बाकी घर को दूसरा देखते हैं, बच्चों का हमलेटे होमवर्क भी तैयार करना है, छुट्टियाँ पढ़ने वाली है आगे, तो मैं सोच रही हूँ नोट्स बनाने का काम तभी कम्प्लीट कर लेते हैं। देखिए पंखे मेरा भी हो गया है बाहर, और गेहूँ अभी ऐसे ही रखे हैं उनको इकट्ठा करना है, थोड़ी देर के लिए अपने लड्डू गोपाल को बैठा देती हूँ बाहर। सब चीज़ें मेरी ऐसी रखी है नीचे,
देती हूँ। तो यहाँ पे गेहूँ इकट्ठा करने लग रही हूँ मैं, और 7 बज गए थे, मैं अंदर बैठी हुई काम कर रही थी, फिर नोट्स बना रही थी, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। फिर बाहर देखा मैंने कि अंधेरा हो रहा है, तो फिर गेहूँ सबसे पहले इकट्ठे करने लगी मैं, उसके बाद तब पूजा करूँगी इसको, और अच्छे से इकट्ठा करने के बाद किसी बड़ी प्लास्टिक की सीट से ढक दूँगी मैं, ताकि रात को इसके ऊपर ओस ना पड़े। और इसके बाद देखिए अब आगे यहाँ पे ये बच्चे दोनों सो गए हैं, रात का टाइम हो गया है, रात के 10 बज रहे हैं, लड्डू गोपाल भी सो गए हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, बाय, राधे राधे।